हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि इस वीडियो से क्वेश्चन नहीं आता दोस्तों, आप जो बोलिएगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। एकदम 110% गारंटी दे सकते हैं कि आने वाला जितने भी एग्जाम है वो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। CGL में तो एकदम मोहर मार लीजिए इस वीडियो को। इस PDF को बहुत अच्छा से पढ़िएगा दोस्तों। इस PDF को हम टेलीग्राम में डाल देंगे और पेड ग्रुप में तो डालेंगे आप प्लस टेलीग्राम में भी डालेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण क्यों बोल रहे दोस्तों, तो इस वीडियो को चाहे PGT वाला स्टूडेंट एग्जाम दे रहे वो देखिएगा जरूर, या फिर JEE वाला हो, या फिर CGL को तो देखना ही देखना। CGL के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखिए, झारखंड के कई भी परीक्षा में बैठिए यहाँ से कन्फर्म पक्का दिखेगा आपको, क्योंकि झारखंड के प्रमुख व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हुआ, ठीक है, हाल ही में निधन हुआ, सोच का नाम है, बड़ा बड़ा नाम है और ओलंपिक प्लेयर फ्रॉम झारखंड से कुछ ओलंपिक प्लेयर बता रहे हैं दोस्तों। आप वीडियो नहीं देखेंगे तो PDF को जरूर पढ़ लीजिएगा, यकीन दिला रहे दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बनने वाला है। आप नाम देखिएगा प्लेयर, इससे क्या पता चलेगा जानते हैं आपको, तो ओलंपिक के बारे में पता चल जाएगा जो झारखंड से खिलाड़ी है, उसके बाद खिलाड़ी पता चल जाएगा कौन सा खेल खेलता है, जिसे बहुत सारे खिलाड़ी का नाम पूछता है ना कि कौन सा खेल खेलते, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि सिलेक्शन तो 2000 बच्चों का होना है, ठीक है। बाकी हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, एक एक चीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, जैसे अभी कल आपको क्या बोलते आया था उसमें क्वेश्चन, कलर IUPAC ने पुष्टि किया था, कलर ऑफ द कंपाउंड पूछा हुआ था, उसका वीडियो जल्द आने वाला है, ठीक है। उससे रिलेटेड हम बना रहे हैं वीडियो ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि जब लैब असिस्टेंट ने पूछ सकता है तो फिर CGL और JEE में क्यों नहीं पूछ सकता भाई। इसलिए कलर ऑफ द कंपाउंड हम दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं 10-15 करवाएंगे। इंपॉर्टेंट जो NCERT में दिया हुआ है, IUPAC नेम जो पूछता है ना, इथेन मिथेन बीटेन, ये सब सिंपल बता देंगे, ज़्यादा नहीं 5-6 लाइन का होगा, ठीक है। और कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो हम देंगे, जो लैब असिस्टेंट में आया था वो हम जरूर करवाएंगे। इसे उसमें लीवर से आया था, Class 1, Class 2, Class 3 का एग्जाम्पल वो हम करवा दिए, एक बार फिर करवाएंगे एग्जाम से पहले। तो चिंता नहीं करना दोस्तों, इस चैनल के साथ जुड़े हुए मतलब कि आप सही जगह पहुँचे हुए हैं अभी, ठीक है। चलिए, इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा, इतना चला हॉकी का प्लेयर सबको पता होगा, एम्स्टर्डम ओलंपिक में, ये कहाँ, इसको हॉलैंड बोलते हैं, याद रखिएगा, हॉलैंड के नाम से भी दे सकता है, 1928 में, डेट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। चलिए, सिलवानुसा डुंगडुंगा कौन सा प्लेयर है, सिलवासा डुंगडुंगा हॉकी का प्लेयर है, आपको ये नहीं याद रखना, आपको याद रखना है 1972 में जीते ओलंपिक जीता, ठीक है, सिलवासा डुंगडुंगा 1972 में गोल्ड मेडल, ठीक है। चलिए, इसमें क्या था, इन दिस ओलंपिक इंडिया डिफीटेड स्पेन एंड ऑन गोल्ड मेडल, चलो कोई बात नहीं, इसका इंडिया जीत गया था 1972 में, और सिलवासा डुंगडुंगा याद रखना हॉकी प्लेयर है बस। आगे, माइकल किंडो ओलंपिक कब, 1980, माइकल किंडो मास्को, कहाँ, मॉस्को में होता, रसिया में होता, ये आपको हमने बोल रहे कि याद करना नहीं करना है, लेकिन पहला जो एम्स्टर्डम जयपाल से मुंडा लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। माइकल किंडो हॉकी प्लेयर है 1980, ठीक है। सिलवासा डुंगडुंगा किसका प्लेयर था, देख सकते हो, हॉकी का है 1972, दिमाग में से रखिए, सिलवासा डुंगडुंगा हॉकी 1972, माइकल किंडो हॉकी 1980, इसमें का इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। माइकल किंडो के टाइम पे इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और सिलवासा डुंगडुंगा के टाइम पे क्या जीता था, देखिए, गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। चलिए, हरभजन सिंह, देखिए क्रिकेटर नहीं है, बास्केटबॉल, झारखंड का भैया हरभजन सिंह, ध्यान रखना है, ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिकेटर मत मार दीजिएगा, ये हरभजन सिंह झारखंड का एक बास्केटबॉल का है 1980। मनोहर टोपो हॉकी का है, ठीक है। अजीत लकड़ा हॉकी का है, और ये इतना मॉडल नहीं है ये सब, ठीक है। रीना कुमारी, बस इसका नाम याद रखना, क्या अजीत लकड़ा बोलेगा तो, क्योंकि हॉकी भाई खेला हुआ है वाला पे, इसलिए इंपॉर्टेंट नाम है, अजीत लकड़ा बोलेगा तो हॉकी, रीना कुमारी बोलेगा तीरंदाजी, रीना कुमारी तीरंदाजी, ठीक है। 2004 अजीत लकड़ा, 1992 डेट याद रख लेते बहुत अच्छी बात है, JEE वगैरह नाम डेट नहीं आएगा, जेब नाम सिंपल पूछेगा, लेकिन हाँ CGL वाले को लिए डेट याद कर सकते हैं, रीना कुमारी तीरंदाजी 2004। चलिए, फर्स्ट वुमेन प्लेयर ऑफ झारखंड हु पार्टिसिपेट, देखिए और क्वेश्चन बन गया यहाँ से, क्या बना, रीना कुमारी कौन है, फर्स्ट इंडियन वोमेन झारखंड से हु पार्टिसिपेट ओलंपिक, याद रखिएगा, क्या, रीना कुमारी जो कि तीरंदाजी खेलती है, रीना कुमारी जो कि तीरंदाजी खेलती है, ठीक है। दीपिका कुमारी सबको जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। लंदन ओलंपिक 2012, रियो ओलंपिक 2016, टोक्यो ओलंपिक 2018, याद रखिएगा, पहला कौन था, UK, लंदन ओलंपिक तीरंदाजी खेलती दीपिका कुमारी, लंदन ओलंपिक 2012, रियो ओलंपिक 2016 और टोक्यो ओलंपिक 2021। तो टोक्यो याद रखना है क्योंकि हाल ही में हुआ है, यहाँ पूछ सकता है, तो दीपिका कुमारी भी कौन सा ओलंपिक खेली है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ था, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में। निक्की प्रधान इंपॉर्टेंट नाम है ये हॉकी, ठीक है, 2016 और 2021। सलीमा टेटे, ठीक है, ये भी टोक्यो ओलंपिक 2021 में खेल चुकी है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट नाम है। सोमा, देखिए सोमा मरांडी, ये कौन है, ये क्या है। चलिए,
सोमा मरांडी आपका इंपॉर्टेंट नाम है क्या ये? यह भाजपा का राजमहल क्षेत्र के सांसद थे। 1998 में राजमहल से अपने प्रतिद्वंदी धामा सांसद को सिर्फ 9 मतों से हराया था, जो भारतीय इतिहास में सबसे कम मतों से लोकसभा जीती थी। सोमा मरांडी आपको नाम याद रखना। चलिए जगन्नाथ, देखिए सोमा मरांडी जो हाल ही पूछ सकता है कि जो सोमा मरांडी कौन था ये, तो आपको दे देगा। खेल खिलाड़ी, पॉलिटिशियन, IAS IPS अफसर, कुछ भी ऐसा कर दे देगा। तो सोमा मरांडी याद रखना है, आप पॉलिटिशियन थे, ठीक है, भाजपा के नेता थे, पॉलिटिशियन याद रखना आपको। जगन्नाथ महतो, अभी इसको सबको बारे में पता होगा, इसका बीबी भी चुनाव लड़ रही है, ठीक है, डुमरी से, ठीक है, तो ये पता होगा शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, ये पता ही होगा। 6 अप्रैल 2023 को इसका चेन्नई में इलाज के दौरान इसका निधन हो गया था, ठीक है। ये विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक रहे, इसके टाइगर के नाम से जाना जाता था। शमशेर सिंह ये कौन था? यह झारखंड के प्रथम वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्री थे, मतलब शमशेर सिंह झारखंड के प्रथम वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्री थे। यह बोकारो से पूर्व विधायक भी रहे, राजनीतिक में इसे दादा के नाम से जाना जाता था। बताइए, पूछ देगा कि राजनीतिक में दादा किसको बोलते हैं, तो शमशेर सिंह को बोला था दादा, ठीक है, बोकारो से रिलेटिव बिलोंग करते थे और ये प्रथम वैज्ञानिक मंत्री थे। यह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक संसद सदस्य में से था तथा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल को इसके सुझाव से ही अपनाया गया था। अच्छा, कमल भारतीय जनता पार्टी ने जो कमल का चिन्ह रखा हुआ है, इन्हीं के सुझाव से, शमशेर सिंह के सुझाव से भी रखा था। देखिए क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, और इसको दादा के नाम से जाना जाता था। चलिए, एक बार इन्होंने इंद्र सिंह रामधारी के साथ मिलकर भाजपा से विद्रोह कर दिया था और एक नया राजनीतिक पार्टी संपूर्ण क्रांति दल का स्थापना, याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति दल का स्थापना किसने किया था दोस्तों? संपूर्ण क्रांति दल का स्थापना शमशेर सिंह ने किया था, लेकिन इसके बाद में विलय भाजपा में हो गया था। संपूर्ण क्रांति दल, क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति दल, इसका स्थापना शमशेर सिंह ने किया था, जिसका विलय बाद में बीजेपी में हो गया था और इंद्र सिंह रामधानी के साथ मिलकर किया था। एक के राय धनबाद लोकसभा क्षेत्र से 3 बार सांसद रह चुके मार्क्सवादी समन्वय समिति के संस्थापक एके राय थे, याद रखिएगा, मार्क्सवादी समन्वय समिति के संस्थापक कौन थे? एके राय था, राय थे, एक ही राय का, राय का 2019 में इसका निधन हो गया है। या 3 बार सिंदरी से विधायक भी रह चुके हैं, इनके समर्थक राजनीतिक, तो याद रखिए एके राय राजनीतिक थे, पॉलिटिशियन थे। पूर्व राज्यपाल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सैयद सिप्तेरा जी पहली बार जब झारखंड में प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ था तो इन्हीं के टाइम पर लगा था, ठीक, सैयद सिप्तेरा जी के टाइम पर लगा था, ठीक है। ये 5वां राज्यपाल थे, याद, ये भी टर्म याद रखना, ठीक है। 5th नंबर के राज्यपाल थे, कितने नंबर के? 5th नंबर के राज्यपाल थे ये। अच्छा, एक करंट अफेयर, रामा जयस करके जो आपको एक राज्यपाल थे जो हाल ही में निधन हुआ, करंट अफेयर झारखंड कराए थे, वो 3rd नंबर का था, तो याद रखिएगा, ठीक है। और ये सैयद सिप्तेरा जी, इनका भी हाल में निधन हुआ है, तो ये झारखंड के, मतलब क्या बोलते हैं, राज्यपाल थे, जो 5वें नंबर का था, पहला बार जो प्रेसिडेंट रूल लगा था झारखंड में, इन्हीं के कार्यकाल में लगा था, ठीक है। 20 अगस्त 2022 को इनका निधन हो गया था, 2022 में, इनका कार्यकाल 2004 से लेकर 2009 में था, ध्यान दीजिएगा, 2004 से 2009, और उसका कितना था, 2003 से 2002 से 2003, तो दोनों कार्यकाल याद रखना, हो सकता है पूछ दे, 2004 से 2009, ठीक है। झारखंड का पहला मुस्लिम राज्यपाल भी थे, एक भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके समय में ही झारखंड पहली राष्ट्रपति साथ लगा आ चुका है। इनका जन्म यूपी के रायबरेली में हुआ था। ये असम के भी राज्यपाल रह चुके थे ये, ठीक है। ये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद भी रहे, 3 बार राज्यसभा के सांसद चुने गए थे। ये भारत के डिप्टी होम मिनिस्ट्री भी रह चुके हैं, कौन? सैयद सिप्तेरा जी। अमिताभ चौधरी, ये JPSC घोटाला पता ही आपको, ओमार सीट गायब हो गया था, इसी के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। हालांकि इसका प्रूफ तो नहीं दे पाए, उसके पहले विदा हो ले चुके थे, ठीक है। खैर जो भी है, तो इसका अमिताभ चौधरी जानिए आप, ये क्या था, पूर्व अध्यक्ष थे JPSC का, ठीक है। आप देख लीजिए इसका निधन 16 अगस्त को हुआ था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम नहीं है, इम्पोर्टेंट नाम है याद रखिएगा, अध्यक्ष थे डॉक्टर जमशेद ईरानी, टाटा स्टील के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जमशेद ईरानी, 21 अक्टूबर 2022 का निधन हो गया था। तो सबका भी हाल ही 21/22 में निधन हुआ सबका, जमशेद ईरानी, ठीक है। 1997 से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। क्या नाम है इसका? जमशेद ईरानी, इसके क्या, एलिजाबेथ द्वितीय, याद रखिएगा, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। 2007 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। तो दिमाग नहीं रखना आपको, आपका जमशेद ईरानी कौन थे, ये डायरेक्टर था टाटा स्टील का, ठीक है। चलिए, डॉक्टर BN पांडे, झारखंड के प्रसिद्ध शिक्षाविद तथा BS कॉलेज लोहरदगा के संस्थापक प्रचार रह चुके, डॉक्टर BN पांडे का हाल में निधन हो गया। BN पांडे टीचर थे, पढ़ने नाम है दोस्तों, डॉक्टर जमशेद ईरानी, चलो हो गया। तो हेमेंद्र प्रताप देहाती, ठीक है, हेमेंद्र प्रताप देहाती कौन है भाई? 23 में हुआ है, अब हाल ही में जनवरी में इसी साल हुआ है दोस्तों। या भवनाथपुर विधानसभा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, हेमेंद्र प्रताप देहाती, याद रखिएगा, हेमेंद्र प्रताप कौन है, ये विधायक जी थे। 2023 में इसका
निधन हो गया था हेमंत प्रताप का, ये भवनाथपुर विधानसभा में आते थे। यह मधुकोड़ा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, हेमंत प्रताप देहाती। इन्हें कन्हर नदी जल संघर्ष के लिए याद किया जाता है, ये पलामू के रहने वाले थे। ये कन्हर नदी जल संघर्ष के लिए हेमंत प्रताप देहाती को याद किया जाता है, ये पलामू के रहने वाले थे और मधुकोड़ा के कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री भी थे, जिनका 2023 में निधन हो गया है। हेमंत प्रताप देहाती जो कि MLA था, बस पॉलिटिशियन याद रखना है। ईश्वरी प्रसाद, ये क्या है, झारखंड के सांस्कृतिक आंदोलन ने युवा नेता में एक ईश्वरी प्रसाद का निधन 2022 में हो गया। इन्होंने छोटा नागपुर संस्कृति संघ की स्थापना की थी, झारखंड के संस्कृति की आगे बढ़ाया। इसने अपनी पत्रिका डहर के माध्यम से झारखंड संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था। डहर बताइए, डहर पत्रिका का संस्थापक कौन था, ईश्वरी प्रसाद। डहर मतलब ईश्वरी प्रसाद, याद रखिएगा, ठीक है। बोले बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया दोस्तों आज का आपका, ईश्वरी प्रसाद, डहर ईश्वरी प्रसाद। खिलाड़ी देख लीजिए, जस्टिन करकट्टा, इसका हाल ही में निधन हुआ। जस्टिन करकट्टा का सिमडेगा के रहने वाले थे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर जस्टिन करकट्टा का दिसंबर 2022 में निधन हो गया। इन्होंने 1978 में हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम का कप्तानी थी या भारतीय सेना में सेनावृत्त भी थे, जस्टिन करकट्टा। विभूति प्रसाद सिंह, झारखंड के प्रसिद्ध निशानेबाज थे। बिरजू शाह मुक्केबाज। गोपाल भेंगरा, ये क्या था, खिलाड़ी था, कौन सा खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, गोपाल भेंगरा हॉकी खिलाड़ी, ठीक है। ये PDF बढ़िया से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व विधायक अरुण बोस, जामताड़ा के पूर्व विधायक थे। शिवा महतो, डुमरी के पूर्व विधायक शिवा महतो। साधुचरण महतो, ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधुचरण महतो। ये सब नाम पूछ देगा क्या है। कमल किशोर भगत, पूर्व विधायक। रजनीश आनंद, पूर्व विधायक गोड्डा का। आपको नाम नहीं याद रखना कहाँ का है, ठीक है, बस याद रखना है कि ये राजनीतिक है कि खिलाड़ी है कि क्या है कि कुछ दिमाग रखना, ठीक है। डॉक्टर सलाह अहमद, ये भी विधायक था टुंडी से, ठीक है। तो ये PDF काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखना ही रखना है। काफ़ी सारा साथ जितना भी नाम दिए सब इंपॉर्टेंट, ये भी नाम ऐसा नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट। खेल खिलाड़ी हो, चाहे MLA वाला हो, चाहे कुछ भी गवर्नर वाला हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है सब, ठीक है। चलिए, तो इस PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम में, वहाँ से PDF को एक दो बार जरूर पढ़ जाएगा एग्जाम से पहले, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, गलती ना कीजिएगा एग्जाम में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये PDF होने वाला है आपका, ठीक है। चलिए, अमिताभ चौधरी सब, इसका टेलीग्राम जेएसएससी वाला इसका लिंक है टेलीग्राम का, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वैसे हम वहाँ जुड़ जाइएगा और इस PDF को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, एग्जाम के टाइम में रिविजन करके चला जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।